बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर, मामी और भांजे का रिश्ता हुआ कलंकित। मामी हुई भांजे के साथ फरार। तीन बच्चों के साथ पति ने पार्ले बिस्किट में मिलाकर खाया जहर। धर्मराज की हुई मौत, तीनों बच्चों की हालत गंभीर। बहराइच से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। निजामपुर गांव के रहने वाले धर्मराज ने खेत में डालने वाले कृषि कीटनाशक दवा को पार्ले बिस्किट में मिलाकर अपने तीनों बच्चों को खिलाने के बाद खुद खा लिया, जिसके बाद धर्मराज की मौत हो गई। तो वहीं तीनों बच्चों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। दरअसल रानीपुर थाना के निजामपुर गाँव का धर्मराज, जिसकी उम्र 40 साल थी, वो जम्मू कश्मीर में मजदूरी करता था और उसकी पत्नी ममता, बेटा रितिक जिसकी उम्र 12 साल, बेटी छाया जिसकी उम्र 8 साल और मुस्कान जिसकी उम्र 4 साल है, तीनों के साथ रहती थी। इस दौरान धर्मराज की पत्नी ममता का प्रेम प्रसंग अपने भांजे से हो गया और फिर 15 दिन पहले पत्नी अपने आशिक के साथ मुंबई फरार हो गई। सूचना पाते ही धर्मराज गाँव पहुंचा। धर्मराज के घर पहुंचते ही तीनों बच्चों ने अपनी मम्मी को लाने की जिद की, लेकिन पत्नी घर नहीं आई, जिससे धर्मराज काफी परेशान रहता था। रविवार शाम 7 बजे धर्मराज ने खेत में डालने वाली कीटनाशक को पार्ले बिस्किट में मिला दिया और फिर उसने बिस्किट अपने तीनों बच्चों को खिला दिया, इसके बाद खुद खा लिया। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने धर्मराज के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। तो वहीं तीनों बच्चों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, जिनमें से ऋतिक और छाया की हालत गंभीर बनी हुई है। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।